नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे, सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। मैं आज आप लोग के सामने पश्चिम नेपाल के सबसे अच्छा आँख अस्पताल आई हॉस्पिटल के बारे में बता रहा हूँ। ये फतेवाल आई हॉस्पिटल है। ये फतेवाल आई हॉस्पिटल पश्चिम नेपाल के सबसे अच्छा और सस्ता हॉस्पिटल है। ये विक्रम संवत 2034 साल में स्थापना हुई थी। फतेवाल आई हॉस्पिटल के लिए स्विस रेड क्रॉस सहयोग से बना है और इसके लिए जो जगह दिया फते सिंह और बाल कुमारी ने, फते सिंह और बाल कुमारी के नाम से ये रखा है, फते प्लस बाल, फते बाल आई हॉस्पिटल रखा है। यहाँ नेपाल के पश्चिम नेपाल के सभी जिलों से दांग, बर्दिया, कैलाली, सुर्खेत, दैलेख, प्युठान, रुकुम, रोल्पा, सल्यान, कालीकोट, जुमला, जाजरकोट, मुगु, डोल्पा, कैलाली, डोटी से लोग यहाँ आते हैं और भारत से भी यहाँ लोग आते हैं। भारत से यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एमपी तक के लोग मैंने देखा है। भारत से यहाँ क्यों आते हैं, एक पंजाबी ने मेरे बताया कि यहाँ जो ऑपरेशन होता है वो अच्छा होता है और सस्ता भी होता है। यहाँ 6000 आईसीयू वाला ऑपरेशन इंडिया में 20000 से ज़्यादा लग जाएगा। यहाँ रूम के लिए 1000 दे दो, दो तीन दिन जितना दिन तक ज़रूरत है बैठ सकते हो, नेपाली 1000 देगा तो, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं होता है, इसीलिए हम यहाँ आए। और यहाँ का जो रोशनी है, जो ऑपरेशन करके जो आता है रोशनी, वो सबसे अच्छा है, इसीलिए हम पंजाब से यहाँ आए। पंजाब के बठनिया से, बठन्ना डिस्ट्रिक्ट से वो लोग आए थे, हम उनसे बात किए थे। और यहाँ नेपालियों के लिए नेपाली 100 रुपया है टिकट का और इंडियन के लिए भारू 62 रुपीज है, या वही नेपाली सही हो गया 62 आईसी का। इसके बाद टिकट लेने के बाद आपको 2 नंबर में जाना पड़ेगा, 2 नंबर में आपका दृष्टि चेक होगा, उसके बाद 2 से 3 में आई टेस्ट होगा, फिर 4 में चश्मा का टेस्ट होगा, फिर 6-7 में आँख का बहुत सारे टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट करने के लिए लोग यहाँ से भेजते हैं और पूरा होता है। अगर ऑपरेशन करना पड़ा तो आपको अलग से चार्ज उसी दिन जमा करना पड़ेगा और दूसरा दिन ऑपरेशन होता है। तो ऑपरेशन में भी एक हाथ से करने वाला, एक कंप्यूटर से करने वाला है। हाथ से करने वाला थोड़ा सस्ता है, लेकिन कंप्यूटर से करने वाला भी 2 किस्म के हैं, एक नॉर्मल है, एक बहुत डीपली है। तो लोग बहुत सारे लोग मीडियम वाला ऑपरेशन कराते हैं, वही 9-10 हज़ार नेपाली वाला, और 1000 के लिए वो लोग कैबिन का रूम मिलता है उनको, उस रूम के अंदर टॉयलेट, किचन सब होता है और 2 बेड होता है। बाहर जो साधारण रूम में कोई चार्ज नहीं लगता है, वही ऑपरेशन चार्ज में सब हो जाता है। और यहाँ का ट्रीटमेंट जो रोशनी है वो सबसे अच्छा है बोलते हैं लोग, क्योंकि पहले जो स्विस सरकार ने जो दिया जो इक्विपमेंट, वही इक्विपमेंट से यहाँ उपचार होता है, इसीलिए लोग दूर दूर से आते हैं। आपको कैसा लगा ये मेरा इन्फॉर्मेशन, कमेंट करके बता दीजिए, आपका सलाह सुझाव दीजिए। मैं नेपाल और भारत को
जोड़ने के लिए ये बात हिंदी में बता रहा हूँ ताकि लोग इधर आके सेवा कर लें और अच्छा रोशनी मिले। अगर नेपालगंज आते हैं तो कहाँ कहाँ घूमना ज़रूरी है ये भी बता रहा हूँ। इससे पहले मैं बागेश्वरी मंदिर के बताया था, तो आज मैं आँखा अस्पताल आई हॉस्पिटल के बारे में बताया। ये आप लोग को लिए बहुत अच्छा हो सकता है, अगर ज़रूरत पड़े तो आप इधर आके अपना आँख का दवा करा सकते हैं। लोग बहुत सारे आते भी हैं, इसीलिए सबको फिर धन्यवाद देता हूँ। और आज मेरा इन्फॉर्मेशन यही समाप्त करता हूँ। आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर करें।